हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रैक एंड ट्रेवल। और आज हम आपको जिस जगह पे लेके जा रहे हैं उसका वर्चुअल टूर पे लेके जा रहे हैं। उस जगह का नाम है मनाली। मनाली। और व्यूज, आपने लास्ट वीडियो हमारी देखी थी एक शिमला के ऊपर, ये भी उसी एरिया में है। कुछ कौन सा एरिया बोला सर? बेसिकली स्टेट जो है वो वही है, हिमाचल प्रदेश का ही एक छोटा सा कस्बा है मनाली, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट है। और जो कि दरिया ब्यास की जो बाइसन है उसी के अंदर वाकई है, छोटा सा कस्बा है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। लोग जो है वहां पे बहुत ज्यादा विजिट करते हैं। चलें वीडियो देखते हैं और वीडियो देख के उसे एंजॉय करते हैं। जी बिलाल साहब, ये है मनाली। जी ये मनाली की वीडियो है और बहुत कमाल, ब्यूटीफुल प्लेस है ये जबरदस्त। हिमाचल प्रदेश में। इसको देख के मुझे सवात की वैली याद आती है। पाकिस्तान में अगर हम विंटर में जाएं सवात में तो बिल्कुल यही व्यू हमें वहां देखने को मिलते हैं। इसी तरह की वहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है और इसी तरह के पाइन ट्रीज जो हैं, इतने जो हैं बड़े बड़े पाइन ट्रीज वहाँ हमें देखने को मिलते हैं उशु फॉरेस्ट में। बहुत ब्यूटीफुल जगह है, ड्रोन फोटेजेस बहुत अच्छे लिए, बहुत खूबसूरत जगह बहुत है। खूबसूरत जगह यहाँ नजर आ रही है। ब्यूटीफुल, जाना चाहेंगे आप यहाँ? डेफिनेटली हम वैसे ट्रैवलिंग के शौकीन है और डेफिनेटली जाना चाहेंगे इन जगहों पे अगर रिलेशंस दोनों कंट्रीज के बेहतर हो। वैसे ब्यूटीफुल स्नो फॉलिंग। क्या लगता है कि बनाने वाले ने इस पे मेहनत, मुझे लग रहा है, काफी ज्यादा की जी है? जी मेहनत भी किया और नेचुरल ब्यूटी की जो कैप्चरिंग है उसका एक अलग ही शॉट जो है नजर आता है। तो वो बहुत अच्छा जो है व्यू उसमें, अगर अच्छे अच्छे तरीके से शॉट लिया जाए तो बहुत अच्छा व्यू जो है नेचुरल ब्यूटी का उसमें नजर आता है। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, वाह, अमेजिंग। ब्यूटीफुल। ले जी, स्नो फॉलिंग हो गई खत्म, अब आ गए हैं सनलाइट। सनलाइट में। यहाँ पे कुछ लोकल वेजिटेबल के लोकल बारे में। विलेजर्स जो हैं वो अपने कर रहे हैं और अब फिर दोबारा स्नो फॉलिंग और बर्ड्स। स्नो फॉलिंग से तो ऐसे लगता है कि यहाँ जब ज्यादा स्नो फॉलिंग होती होगी तो रास्ते वगैरह में प्रॉब्लम आती होगी, रास्ते बंद हो जाते होंगे। तो असल मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने टूरिस्ट को दी हुई है उन्होंने सहूलियात, तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि ये रोड वगैरह क्लोज होते होंगे यहाँ पे। ठीक जी, है, ज्यादा स्नो फॉलिंग की सूरत में मेरा ख्याल है वो हटा देते होंगे, बर्फ रस्से वगैरह वो खुले ही रखते होंगे क्योंकि स्नो फॉलिंग में मेरा ख्याल है टूरिस्ट ज्यादा अट्रैक्टिवली जी जाना जी वहाँ विजिट करते हैं। बहुत ब्यूटीफुल नजर आ रही है, बहुत जबरदस्त लोकेशन है। ये हैंडीक्राफ्ट लग रही है लोकल, ब्यूटीफुल। याक, यॉर्क जो यहाँ भी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर देखने को मिलता है। बस आपने किया इसका सफर? सफर तो नहीं किया अभी लेकिन इंशाल्लाह करेंगे अगर कभी मौका मिला तो। ब्यूटीफुल प्लेस, अमेजिंग प्लेस। बर्ड्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं और ये पाइन ट्री का बस आपका क्या फॉरेस्ट। ख्याल है, विंटर में ये कैसे जगह आप देख रहे हैं इसको, और अगर समर में देखेंगे तो फिर कैसी लगेगी समर ये? में तो और ज्यादा ब्यूटीफुल होगी जब लश ग्रीनरी जो है यहाँ पे समर में नजर आती होगी, तो वहाँ उस समर में तो और ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाती रैपिंग, होगी। अच्छी दवा आपको रैपिंग करवानी है ना आराम से। बिल्कुल, राफ्टिंग दरिया कन्हार में राफ्टिंग का ज्यादा मजा आता है। ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल लोकल कल्चर। लोकल जो है इन जगहों में जाकर लोकल कल्चर और लोकल लोगों से जब बंदा मिलता है तो उसमें एक अलग ही जो है एक इंजॉय जो है करता है बंदा, क्योंकि लोकल कल्चर से भी आगाही होती है और लोकल जो वहाँ पे कस्टम्स है उनसे भी आगाही होती है। सही, बहुत जबरदस्त और बहुत बहुत अच्छी ब्यूटीफुल। वीडियो थी। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारे साथ एंजॉय किया होगा आपने, और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारी तो नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट वीडियो इंतजार का इंतजार कीजिए। कीजिएगा। थैंक बहुत यू। शुक्रिया।